मिश्रा। पुण्या पुण्या पुण्या। ओके, नीट की तैयारी कर रहे हो? यस। ड्रॉपर या इलेवन ट्वेल्थ? ड्रॉपर। ड्रॉपर बैच रहे हो? कौन सा ड्रॉप है आपका ये? सेकंड। सेकंड ड्रॉपर। ओके, अभी प्रिपरेशन कैसी चल रही? अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ। सिलेबस हो गया? हाँ सिलेबस। क्या टाइम हो गया? एक महीने और। एक महीना हो गया। अभी टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे? हाँ टेस्ट चल। कितने दिनों में टेस्ट हो रहे हैं? टेस्ट यही हफ्ते, एक हफ्ते में दो बार हो रहा है। ओके, सो टेस्ट पार्ट वाइज हो रहा है या फिर फुल सिलेबस? अभी तक मार्च में पार्ट वाइज हुए हैं, अब अप्रैल में फुल, अप्रैल में फुल सिलेबस के होंगे। फुल सिलेबस होंगे। ओके, सो मतलब अभी सेल्फ स्टडी कितने आवर्स आप कर रहे हो? सेल्फ स्टडी मेरी 15 आवर्स रहती है। 15 आवर्स। ओके, कोचिंग कितने टाइम तक सेल्फ स्टडी करते हो आप? कोचिंग में मैं सुबह कभी 9 बजे आती हूँ, कभी 8 बजे, और फिर शाम के 7 बजे तक जाती हूँ। काफ़ी टाइम आप कोचिंग? हाँ में कोचिंग। ओके, सो पीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है अभी तक आपका? बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज वगैरह अच्छे हैं? हाँ सारी अच्छी हैं। सो आपने लास्ट अटेम्प्ट जब दिया था तब स्कोर क्या आया था नीट में? 350 आया था। अब आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? यहीं से की थी। यहीं से की थी। आप मतलब बैच का नाम क्या है? तो मेरे अभी मतलब उत्कर्ष में क्लासेस लगती हैं हमारी। और यकीन टाइप में हुआ कोई? हाँ यकीन में ही है, यकीन M24। सो इसमें जो पढ़ाने का तरीका है और ऑनलाइन जो यकीन चलते हैं, यकीन 1 2 जो भी है, तो उसके मतलब सेम वैसे ही स्टडी मटेरियल रहता है? हाँ और वहाँ भी? हाँ स्टडी मटेरियल सेम। हाँ हाँ सेम है। ओके, सो आपकी जो क्लासेस जो यहाँ पर ऑफलाइन हो रही है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है क्या? हाँ ऑनलाइन भी रहती है। तो ये अगर आप घर से करना चाहो तो भी? हाँ घर से। तबीयत खराब है, किसी रीजन से आप नहीं कोचिंग आ पा रहे हो, आप घर से देख सकते हो? हाँ हाँ। ओके, मतलब ये एक अच्छी फैसिलिटी है पीडब्ल्यू में कि आप घर से भी देख सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल रहता है सारा कॉन्टेंट। ओके, सो अभी जो मतलब टाइम आप स्टडी को दे रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट को दे रहे हो? बायो। बायो को दे रहे हो? बायो में कितना स्कोर हो जाता है टेस्ट में? बायो मेरे यही 300 अप्रोक्स आ रहे हैं। 300 टेस्ट आ रहे हैं। जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं पीडब्ल्यू के, उसका लेब मतलब एनसीईआरटी वैसे सारे होते हैं? हाँ एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। एनसीईआरटी से सारा आ रहा है? ओके, बायो को आप सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री को? मतलब इक्वल इक्वल है, वो फिजिक्स ज़्यादा रहती है क्योंकि टफ है थोड़ा वो, और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस है अभी क्योंकि ऑर्गेनिक से ज़्यादा। लास्ट टेस्ट क्या स्कोर आया था? अभी वाले में आया था मेरे ये अभी 400 से पहले वाले में आए थे, अभी इसमें अभी 396 समथिंग आए थे। 396। फिर भी स्कोर कम आ रहा है, क्या रीज़न है? गलती क्या हो रही है? मेरा रिवीजन मेन मेरा प्रॉब्लम है, रिवीजन मेरी बहुत कम यूज आ रही है रिवीजन में। रिवीजन नहीं हो पा रहा? हाँ टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत। हाँ टाइम मैनेजमेंट। ओके, सो मेन मेरा फोकस मतलब केमिस्ट्री का बहुत वीक है, केमिस्ट्री मेरी वीक हो जाती है, उसी कारण नेगेटिव मार्किंग हो जाती है केमिस्ट्री में, वरना बायो वगैरह सब अच्छे से जा रहा है। केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी रीड करते हो? नहीं नहीं करते। एनसीईआरटी से नहीं आता है क्या? आता है पर ये कहते हैं एक्चुअली बायो के चक्कर में हो नहीं पा रहा है कोई सब्जेक्ट, ऐसा बायो ज्यादा स्कोरिंग है तो। कैटेगरी कौन सी है? जनरल। तो आपको तो काफी स्कोर चाहिए। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार हो जाएगा मतलब? हाँ होप तो है कि हो सकता है, होना तो चाहिए। हाँ कर रहे हो काफी मतलब, फिर भी मेनली आपकी मिस्टेक्स जो अभी तक टेस्ट में और अभी तक जो आप साल भर आप पढ़े हो, तो क्या क्या मिस्टेक्स आपने करी है जिससे स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ ज्यादा? मेन मेरा जो वीक पॉइंट है मैं उसमें कम फोकस करके, जो मतलब मेरे से जो इजीली हो जा रहा है मैं उसको कर रही हूँ, जो कि मुझे वो करना चाहिए फोकस। हाँ। तो मैं अब जाके मैं उसको टाइम दे रही हूँ अभी, मतलब जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं उसमें मैं फोकस कर रही हूँ। केमिस्ट्री जैसा मेरा वीक है तो मैं अब केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बट अभी भी थोड़ा बायो ज़्यादा स्कोरिंग है तो बायो में टाइम ज़्यादा ही देती हूँ, केमिस्ट्री सेकेंड पे है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप? हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर है, मतलब जैसे दिन में आप 15 घंटे 12-15 घंटे पढ़ रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करते हो थ्योरी रिवीजन करते हो? प्रैक्टिस बायो रिवीजन होता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रैक्टिस होती है। ओके, पर डे कितने क्वेश्चंस लगा लेते हो अभी आप? पर डे मेरे अभी जैसे मैंने अभी लगाए 61 क्वेश्चंस एक चैप्टर के थे मेरे पूरे पीवाईक्यू के, वो मैंने केमिस्ट्री का एक पूरा कर दिया एक चैप्टर का। इस टाइम पर आप सिर्फ पीवाईक्यूस कर रहे हैं? थ्योरी प्लस पीवाईक्यू। हाँ थ्योरी प्लस पीवाईक्यू। सो मतलब जिन लोगों का अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, सिलेबस कम्प्लीट ही हुआ है, वो अगर अभी रिविजन करे तो सिर्फ पीवाईक्यू करके काम? पीवाईक्यू करें। हाँ क्योंकि अब प्रैक्टिस करने का उतना टाइम नहीं रहा है हर चैप्टर का उठा के, पीवाईक्यू करेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और हमें कैसे करने चाहिए, तो उससे हम फोकस कर पाएंगे ज़्यादा मेन पॉइंट्स में जो है। पीडब्ल्यू का जो आपका बैच था उसमें कितने स्टूडेंट रहते हैं? समथिंग 150 थे हमारे क्लास में। 150 स्टूडेंट? हाँ 150। आपका सेंटर यही था या कुछ और कहीं? सेंटर उत्कर्ष में हमारी क्लासेस लगती थी। उत्कर्ष मतलब? उत्कर्ष में हमारा था बिल्डिंग में। अच्छा। बिल्डिंग ली है सर लोगों ने दो फ्लोर से। हाँ यहीं पे है, भवर कुमार पे ही है। अच्छा।
अच्छा, मतलब दो बिल्डिंग हो गई हाँ दो तो है, बिल्डिंग पे। तो वहाँ पे आप क्लास हाँ लगता है। ओके, 150 स्टूडेंट है। तो अभी जो टेस्ट हो रहा है उसमें बैच वाइज भी रैंक वगैरह आती होगी, हाँ तो बैच आपकी वाइज क्या रैंक आती है? 35। 35 आ रही है, हाँ मतलब काफ़ी स्टूडेंट है जो इससे भी अच्छा स्कोप है। हाँ टॉपर है कितना आ रहा है? टॉपर के 500 अप्रोक्स, 500 है। 500 600 ऐसे जा रहे हैं। ओवरऑल इंदौर से हाईएस्ट कितना आ रहा है? इंदौर का हाईएस्ट ओवरऑल 670 वगैरह गया है। 670 के आसपास मतलब अच्छा स्कोर आ रहा है वैसे। सो जो लोग ना वीक है या फिर जिनका बेस अच्छे से बना हुआ नहीं है, वो कोचिंग देख रहे हैं इंदौर में, हाँ तो उन्हें PW में आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से पढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने जब तक, मेरा बहुत वीक थी केमिस्ट्री, बहुत वीक थी बायो, बहुत वीक थी, सब बेसिक से एक लिख लेके पढ़ाया है, तो बहुत अच्छा है। बेसिक से पढ़ाते हाँ हैं मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है PW से, इसलिए से मैंने सेकेंड ड्रॉप भी यहीं से लिया, क्योंकि हर चीज़ अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हाँ सही है। हिंदी मीडियम के लिए भी बैचेस हैं यहाँ हाँ पर, हिंदी मीडियम वो के जो लिए भी फैकल्टी है यहाँ के PW के, वो एक्सपीरियंस है या फिर सारे नए फैकल्टी है? सारे एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस फैकल्टी, एक्सपीरियंस रहता मतलब है। क्योंकि ऐसा रहता है ना, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हाँ उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है जो स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट देता है। तो अच्छे फैकल्टी काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस वाले ही है। एक्सपीरियंस्ड है। ओके ठीक है। बाकी तो कुछ स्पेशल बताना चाहोगे जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं जिनका कोचिंग स्क्रिप्ट नहीं है, टिप्स कुछ देना चाहो? प्रैक्टिस करें वो अच्छा होगा, मतलब PYQs लगाएं, रिवीजन में मेनली रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भी अभी रिवीजन ही बचे हैं, रिवीजन करें और PYQ के प्रैक्टिस करें, तो स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका वीडियो हम यूट्यूब पर यूज़ कर सकते हैं ना? हाँ थैंक यू। थैंक।